कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। रूस ने बांग्लादेश से 630 मिलियन डॉलर की बकाया राशि और ब्याज के भुगतान की मांग की है, जो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभर कर सामने आई। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। रूस के ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंधों के मद्देनजर रूस अब बांग्लादेश की वित्तीय जिम्मेदारियों पर सख्ती दिखा रहा। ये स्पष्ट संकेत है कि जो भारत का सगा नहीं वो रूस का कैसे होगा। इंटरेस्ट उसमें मांगा है 630 मिलियन प्लस ये जो रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका, इसके लिए इंटरेस्ट। ये चीज तो आप सबको बताया कि भाई भारत ने इतना सब कुछ सहने के बाद, वेस्ट की तरफ से इतना प्रेशर आने के बाद, वेस्ट की तरफ से इतना सब कुछ होने के बाद रशिया का साथ नहीं छोड़ा है, और ना कि रशिया ने भारत का साथ छोड़ा। इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा, फिर ये वही काम करेंगे जो मॉलडीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए, बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी, 80 करोड़ डॉलर का इनका बिल बना हुआ है इंडिया की तरफ, जितनी भी इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगी हुई थी वो तमाम इंडिया की इंडस्ट्री थी। तो अपने कर्जे भी देगा उस मुल्क के बीच में, और हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांगे। वी हैव नथिंग टू डू विद बांग्लादेश, ठीक है। और मैं बांग्लादेश का बहुत बड़ा सपोर्टर था, मेरा मन खट्टा हो गया इन लोगों से, इन जब से इन लोगों ने हिंदुओं को मारा है मेरा मन खट्टा हो गया, ठीक है। कल मरते हैं आज मरे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इनको सब आटे दाल का भाव पता लग जाएगा जब इनको अमेरिका जूता मारेगा और चाइना जूता मारेगा, फिर ये वही काम करेंगे जो मॉलडीव्स करता है, या बाप बाप करके आएंगे दिल्ली में और पैर पकड़ेंगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, विद इन वन ईयर बांग्लादेश, यू जस्ट सी, इनको लगता है कि ये बड़े काबिल हैं। इनकी बड़ी गलत फहमी है बांग्लादेशियों की कि हम बड़े काबिल हैं। तुम काबिल हो ना जी, ठीक है, तो मैं काम करो, तुम भी इंडिया आउट करो, इंडिया भी वहां से आउट हो जाता है, देखते हैं तुम कैसा सरवाइव करते हो। लेट्स सी मालदीव्स वाला हाल। मालदीव्स वाला हाल नहीं, इनके पास पाकिस्तान वाला हाल होने वाला है। बेसिकली इनका पूरा जमात जमात क्या जिहादी लोग हैं ये, ठीक है, बटन दबाओ फटाफट जाएंगे। बांग्लादेश के इस वक्त किस्मत के सितारे उल्टी दशा के अंदर घूम रहे हैं, और पड़ोसी मुल्क भारत भी बड़े से बड़ा हथौड़ा जो है बांग्लादेश के सर पर मारता हुआ दिखाई दे रहा है। कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखती है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा? लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? इंडिया भी तो हाथ हटा रहा है ना, बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया, उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे हैं कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो? देखिए, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ। और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया। हाँ। लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे के साथ, जब हसीना वाजे उतरी है तो हाँ। प्रेशर तो आएगा। हाँ, प्रेशर लेकिन आ अब देखना है कि आगे क्या होना है। हाँ। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा दूसरा? हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा 630 मिलियन डॉलर अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं, हाँ। तो जहरी बात है, दोस्त ने दोस्त के पीछे तो हन है, ठीक है, लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश के लिए। आज जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था, हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया, देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज्यादा बेस्ट थे, लेकिन जिस
जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीजन ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में तुम्हें पता बहुत अच्छे फ्रेंड है और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। उनके साथ से कहते हैं ना कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए हैं। 16 कमोडिटी कल का हमारा शो था ऑलरेडी बैन हो गया है, मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गई है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गया, वही हमारा जमाना आ गया वहाँ पे। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। रशिया अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है, कैसे? क्योंकि बांग्लादेश का जो आपने जैसे क्वेश्चन किया है कि उनका तो बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो आप बेहतर समझते हैं कि बांग्लादेश में तो फिर भी ह्यूमैनिटी है, वहाँ पे नेशन जो है वो यूनिट है, मतलब वहाँ पे ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो हम यूथ हैं वही सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जो राइट्स हैं उनके लिए फिर भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हमें ये वाली चीज़ देखने में आ रही है, तो बांग्लादेश हमसे पहले भी बहुत पीछे था और आज भी बहुत पीछे है। बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं, देखे जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती ख़त्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए, तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। बांग्लादेश की हालत देख लें आप, बांग्लादेश के साथ इंडिया के जो मामलात हैं वो हमारे साथ तो कभी भी नहीं हो सकते, हमारी नेबर कंट्री के साथ कभी भी बनी भी नहीं थी शुरू से, स्टार्ट से ही, तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं सकते कि हमें इंडिया के साथ बनी, इंडिया के साथ नहीं। डेफिनेटली बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जो कि जिस पर एक, जिसको कहते हैं एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। भारत ने तो बांग्लादेश का बहुत साथ दिया, अतः कि बांग्लादेश बनाया ही बना ही भारत की मदद से था। अगर भारत मदद ना करता तो बांग्लादेश नामी देश ही शायद इस दुनिया के नक्शे पे ना होता। तो अब ये अगर अनग्रेटफुलनेस का एक एटीट्यूड बांग्लादेश में शुरू होगा तो फिर भारत रिटेलिएट तो करेगा, कोई ना कोई मैसेज तो देगा।